अक्सर सुनने में आता है कि एक ही लड़के पर दो लड़कियों का क्रश था, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि दो बहनें एक ही लड़के के साथ प्रेम करने लगी हों और दोनों में से किसी को भी कोई भी समस्या ना हो। एक लड़के पर तीन सगी बहनों का दिल आना तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर में ऐसा ही हुआ। यहाँ एक ही लड़के के प्यार में पागल तीन बहनें उसके साथ घर से भाग गई। यह अजीब घटना रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र का है। करीब एक सप्ताह पहले यह मामला उस वक्त सामने आया जब तीनों लड़कियां अपने माता पिता या अन्य रिश्तेदारों को बिना बताए एक ही लड़के के साथ घर से फरार हो गई। एक ही समय में तीनों बहनों का घर से गायब हो जाना अपने आप में ही एक बड़ा सवाल था। इस बात से घबराए परिजन उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। करीब 8 दिन पहले अपने घर से लापता हुई तीनों बहनों को उनके परिजन आसपास के गांव में उनकी तलाश कर रहे हैं। परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदारों और परिचितों से भी उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तीनों बहनों का कोई भी पता नहीं चला। जहां तीनों बहनों की तलाश की जा रही, वहीं गांव और आसपास के इलाकों में तीन लड़कियों के लापता होने की खबर फैल गई। उनके लापता होने से संभावित कारण को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की अफवाहें और अटकलें लगाई जाने लगी। कहानी यह भी सामने आई कि तीनों लड़कियों का एक ही आदमी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी कारण संभवतः वह उनके साथ भाग गई। इनमें से दो बहनें बालिग थीं, जबकि एक नाबालिग थी। परिवार के बदनामी के डर से लड़कियों के परिजन ने अब तक चुप्पी साध रखी थी और उन्होंने पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस थाना अधिकारी रविंद्र कुमार ने पुष्टि की कि परिवार ने शिकायत दर्ज नहीं की है। उनके मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद ही पुलिस कोई उचित कार्रवाई कर सकेगी। बहरहाल रामपुर पुलिस ने मामले को बढ़ता देख स्वतः संज्ञान लेते हुए अजीम नगर थाना प्रभारी को मामले की जांच शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। वही एक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह खुलासा हुआ कि तीनों बहनों में सबसे बड़ी को सबसे पहले उस आदमी से प्यार हुआ था। हालांकि दोनों का प्यार उस वक्त अधूरा रह गया जब लड़की की शादी किसी और लड़के से कहीं और कर दी गई। शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गई, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका उसके पति से तलाक हो गया और वह वापस अपने मायके चली आई। मायके आने के बाद उसने दोबारा अपने पुराने प्रेमी से संपर्क बनाया तो पता चला कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसे अब उसकी छोटी बहन डेट कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर दोनों बहनों में आपसी समझौता हो गया और वो दोनों एक साथ एक ही लड़के को डेट करने लगी और अब दोनों बहनों का एक ही आदमी से प्रेम प्रसंग चलने लगा। इस बीच एक दिन जब दोनों बहनें अपने इकलौते प्रेमी के साथ घर से भागने लगी तो तीसरी बहन जो कि नाबालिग है उसने भी उसी लड़के के साथ भागने का फैसला किया। इसके बाद तीनों बहनें कथित तौर पर उस व्यक्ति के साथ भाग गई।